ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट का टॉपिक सुभाष चंद्र इसमें पहला है निकसत ज्ञान तय मलुक है प्रलय भान कैसी हारे तंत्रों से गंदन के जाल को लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन से रुद्रई झावे दैत्य नंदन के माल को लाल गोपाल छत्साल महाबाहुबली कहाँ मैं पठान करो तेरी करवाल को प्रतिभट पतक कटीले केते काज काज काली काम सी तिलकत कलयोग काल को ये पैरा है। इस पैरा से आपको पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का है। कुल मिलाकर ये जो पैरा है ये 10 नंबर का है। अगर आप अच्छी तरह से समझकर मन लगाकर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और कॉपी में लिख देंगे तो पूरे 10 के 10 आपको मिलेंगे। इसमें कोई कठिन नहीं होती है, जैसे ग्रामर होती है व्याकरण उसी तरह ही होता है। इसलिए इसको ध्यान समझिए। देखिए प्रश्न पहला है पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर रचना का नाम है शिवाशोर, रचनाकार का नाम है परमभूषण। प्रश्न नंबर 2 लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये कई रोज हम लोग बताते हैं, रोज हम इसलिए बताते हैं कि आप को इतना मेरी बताई बात समझ में आ जाए कि आप जब ये कक्षा पास कर जाए फिर भी आपके दिमाग में बनी रहे, इसलिए मैं बताता हूँ। अगर केवल आके सीधे सीधे पढ़ाने लगे पढ़ा करके बंद कर दें तो आपका बाह्य ज्ञान जो बाहरी ज्ञान होता है वो नहीं हो पाएगा। केवल आप किताबी किला बनेंगे कि जो लिखा है उसका हमने आपको बता दिया बस। लेकिन हम आपको किताबी कीड़ा से हटाकर आपके सर्वांगीण विकास का प्रयास करते हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे दे करके बीच में बताता रहता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपके भविष्य में जीवन में लाभकारी होंगी। केवल रट्टू तोता की तरह हम अर्थ नहीं पढ़ा पाते हैं, हम व्याख्यात्मक सब चीज़ें लेकर के उदाहरण दे करके तब समझाते हैं। तो यही इसीलिए तो मैं कह देता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ केवल आप हमारे पढ़ाई को ध्यान दें और जितना बताता हूँ उसको सुने, इसके बाद फिर आप देखें आपका रिस्पॉन्स क्या मिलता है कर देते हैं। तो मैं आपको पूरे पैराग्राफ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। निकसत ज्ञान तय मयूख है प्रलय भान कैसी हारे तंत्रों से गंदन के जाल को। निकसत माने निकलना, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, मयूख है सिरने, प्रलय भान यानी प्रलय काली सूर, हारे माने भाग से कोई कपड़ा चीना जाता पड़ा जाता, तंत्रों गहन का घनघोर देगा, गयंदन हाथी बड़े बड़े हाथी, जाल समुद्र। अब ये तो दो आपको लिखनी है, एक बात समझ लीजिए, रेखांकित ये है एक लाइन दो लाइन। अब आपको दिखाना है केवल इन्हीं दोनों का, लेकिन पढ़ना आपको सब। अब देखिए जब भूषण कहते हैं कि जिस समय महाराज छत्रसाल अपनी तलवार को म्यान से निकालते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रलयकारी सूर्य की किरणें
चमक रही है और वो घनघोर अंधकार रूपी हाथियों के समूह का विनाश कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब लागत लपट कंठ बैरव के नागिन से रुद्रा जावे रहते मंडल के मालिक इनका था पूछना है। तो वह तलवार सर्पिणी के समान, नागिन के समान शत्रुओं के कंठों से लिपट कर उनके प्राणों को हर लेती है और इस प्रकार मुंडों की माला लेकर सूर्य को प्रसन्न करती है। ये आपको लिखना है। फिर आगे लाल छिपाल छत्सार महाबाहुबली कहान और पठान करो तेरी करवाल को, करवाल माने तलवार होता है, महाबाहु माने महान भुजाएं, मजबूत भुजाएं, बलि माने बलवान। फिर पुष्टि वर्णन करते हैं कि महाराज छत्रसाल आपकी भुजाएं कितनी बलवान है, कितनी ताकत है आपकी भुजाओं में जो कि आप ऐसा भयंकर युद्ध करते हैं, और आपकी तलवार की मैं कहां तक विशेषता बताऊं, कहां तक उसका वर्णन करूं, बखान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, इसमें ये अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। वर्णों की आवृत्ति आई बार बार, कटक का एक होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है या जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो, या कई बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रतिभट माने होता है सामने खड़ा हुआ योद्धा, युद्ध में जो आपने सामने होते हैं, आप सामने की सेना की कटक माने सेना, कटक माने सेना होता है, सेना के कटीले माने बलवान योद्धाओं को केते कितनी बार काट काट करके अपनी तलवार से कालिका सी किरण और काली के समान किलकारी मारते हुए देव काल को कलयुग कराते हैं। कलयुग माने होता है सुबह का नाश्ता, कलयुग कहते हैं जिसे अंग्रेजी वालों ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो देते हैं ये इसकी व्याख्या हुई। तीसरा छत साल के तलवार म्यान से निकलते ही क्या हुआ, उत्तर छत साल के तलवार म्यान से निकलते ही प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप में चमकने लगी और घने अंधकार के समान काले और विशाल काय हाथियों के समूह को चीरने लगी। छह साल के तलवार सुनारी को किस प्रकार प्रसन्न करती है, उत्तर छह साल की तलवार सर्पिणी के समान शत्रुओं के कंठों से लिपटकर उनके प्राणों को हरती है और इस प्रकार मुंडों की माला देकर शिवाजी को प्रसन्न करती है। अगला प्रश्न, छत साल की तलवार किस इसके समान शत्रुओं का श्रृंगार करती है, उत्तर छत साल की तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदायी शत्रुओं की सेना को काट काट कर तथा काली के समान किलकारी मानती हुई